गृह मंत्री अमित शाह का एक रिश्तेदार बताकर एयरपोर्ट पर वीआईपी सुविधा लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ एरोड्रम थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी वीआईपी सुविधा लेने के लिए खुद को गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताया करता था। देखिए ये खास रिपोर्ट। एरोड्रम थाना पुलिस ने देवी अहिल्या विमानतल पर गृह मंत्री का रिश्तेदार बताकर वीआईपी सुविधा लेने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पुलिस को टर्मिनल मैनेजर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि इंदौर एयरपोर्ट पर लगभग 11 महीने से पुनित शाह नाम का व्यक्ति अपने आप को गृह मंत्री अमित शाह का रिश्तेदार बताकर वीआईपी सुविधा लिया करता था। मामला खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा तो पता चला कि पुनित गृह मंत्री का रिश्तेदार नहीं है। जानकारी मिली है कि पुनित मुंबई का एक बड़ा कारोबारी है। थाना एरोड्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कोई एक पुनित शाह हैं जो अपने मोबाइल से एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को बताते थे कि हम गृह मंत्री जी के गांव के हैं और उनके परिचित हैं और वो वीआईपी सुविधा अपने जो पैसेंजर्स जाते थे इंदौर एयरपोर्ट से उनके लिए सुविधा की मांग करते थे। उसी को लेकर आज एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एरोड्रम थाने में अपराध 419 420 का पंजीबद्ध किया गया है। उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर कौन व्यक्ति सर ये कोई पुनित शाह है, उनका नंबर है, उसके बारे में अभी डिटेल निकाली जा रही है और इसके बारे में जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को ही है, उनसे जानकारी ली जाएगी फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी बार लगभग ऐसे कर चुके अभी ये जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई है। अभी तो पत्र दिया है जिसमें प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें आएंगी कि वो कितनी बार उनने सुविधा के लिए फ़ोन लगाया और किस किस को लगाया। सुविधा में सर क्या लेते हैं? अब ये अभी उनने जानकारी नहीं दी है, ये कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिले जो उनके पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको तरीके से वीआईपी लाउंज में बिठाया जाए, इस टाइप की बात उनने बताई है, लेकिन जब पूरा स्टेटमेंट लेंगे तो स्थिति क्लियर होगी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के पास अभी केवल पुनित का मोबाइल नंबर और नाम है। पुनित ऐसा क्यों करता था इसकी जानकारी पुलिस के पास अभी नहीं है, लेकिन पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।